सतना के जंगल में टाइगरों की चहलकदमी। जंगलों से निकलकर रास्तों पर आराम कर रहे हैं टाइगर। सतना वन मंडल अंतर्गत मझगवां और बीरसिंहपुर के जंगलों में अपनी मौजूदगी के कई प्रमाण दे चुके टाइगर्स में से एक टाइगर धारकुंडी की सड़क पर बैठा आराम फरमाता देखा गया। धारकुंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 900 मीटर की दूरी पर धारकुंडी अमवा क्षेत्र मार्ग पर स्थित चमहुआ नाला के ऊपर सड़क पर टाइगर इत्मीनान से आराम करता नजर आया। शनिवार की दोपहर जहां टाइगर बैठा था वह एक आम रास्ता था, लिहाजा वनराज की मौजूदगी वहां इधर उधर से आने जाने वाले लोग सहम गए। कुछ लोग टाइगर को नजर भर देखने में मशगूल हो गए, कुछ उसे अपने मोबाइल कैमरों पर कैद करने में लग गए। कुछ देर बाद टाइगर उठकर वहां से जंगल की तरफ वापस चला गया। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और यूपी के रानीपुर वन अभ्यारण्य से जुड़े सतना वन मंडल में मझगवां और बीरसिंहपुर के जंगलों में पिछले कुछ दिनों में टाइगर्स की संख्या बढ़ी है। वन विभाग के सूत्रों की माने तो इस समय इन जंगलों में 20 से अधिक टाइगर हैं, जिनके टाइग्रेस और शवक भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में बाघ कभी सड़क पर आराम करते नजर आते हैं तो कभी सड़क पार करते हुए दिखाई देते हैं। ग्रामीणों को भी ये उनके खेतों के आसपास विचरण करते दिखाई पड़ते हैं। रेजर पंकज दुबे ने कहा कि टाइगरों की संख्या बढ़ने के साथ ही वन विभागों ने यहाँ निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। ग्रामीणों को भी समझाकश देकर उन्हें अलर्ट किया जाता है। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में पर्यटक टाइगर की एक झलक पाने के लिए कई कई दिनों तक डेरा डाले रहते हैं, लेकिन सतना के इन दिनों वनराज के दर्शन नेशनल पार्कों के मुताबिक ज़्यादा सहज हो गए हैं। सतना के जंगलों में बाघों की बढ़ती संख्या के बीच सड़क पर भी टहलते आराम फरमाते दिखाई पड़ जाते हैं। टाइगर का एक ऐसा ही वीडियो हमारे सामने आया है।